आदमी जो है सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अपने अपने काम में लगी हुई है। इसके अलावा हमें यात्री मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया, जिसके ये क्या होता है यात्री मैनेजमेंट सिस्टम, यात्री का हम स्कैनिंग करते हैं, उसका जो आ रहा सही में वो यात्री है या दूसरा है वो हम करके फिर उसको आगे हम जाने के लिए अलाउ करते हैं अंदर कैब में। इस बार यात्री जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको एक बारकोड दिया जाता है। इस बारकोड के जरिए उनकी संख्या और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। आसमान से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट ट्रैकर के जरिए यात्रा के पूरे रास्ते पर नजर है। पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 40,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए चाहे पहलगाम का लंबा रास्ता हो या फिर बालताल का कम दूरी वाला सफर, श्रीनगर और जम्मू से लेकर यहां तक सुरक्षा बेहद कड़ी है। हर 100 मीटर पर एक जवान, बख्तरबंद गाड़ियां और चल दस्ते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, आतंक का खतरा है, उसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देखिए, शिव भक्तों को इससे कोई लेना देना नहीं, उनकी केवल एक ही आस्था है कि हमने भोले बाबा के चरणों में आकर के अपना नतमस्तक शीश झुकाना है और इस यात्रा को हमने सफल बनाना है। सभी यात्रु इसी से अपनी उम्मीद रख कर के आते हैं। जय अमरनाथ यात्रा पर सबसे ऊंची चढ़ाई के दौरान इन दुर्गम पहाड़ियों पर हर जगह हमारे जवान तैनात हैं। CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और सेना हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पिछली बार यात्रा के दौरान आतंकी हमले में 8 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 18 घायल हुए थे। अमरनाथ गुफा से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।